हालत खराब हो जा रहा है। वो चश्मा वाले को देखो, दे चश्मा वाला पूरा आग बंद कर लिया है। तो चिंपांजी है और एनाकोंडा का लड़ाई हो रहा है। ये हुआ ना बात। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और अभी दोस्तों हम आ चुके हैं भिलाई सेक्टर 1 गणेश पंडाल में। वैसे तो मैं यहाँ का भी जो पंडाल बन रहे थे उस समय भी ब्लॉग शूट किया था। तो इस बार का जो थीम है ना फ्रेंड्स, वैसे आप सभी ने मूवी तो देखा ही होगा, गॉड जिला और किंग कॉन्ग की। तो उसी थीम पर जो है झांकी बने हैं। तो चलिए आपको झांकी भी दिखाएंगे और साथ में जो है आके गणेश जी के दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं। और आज सेकेंड डे, तो देखो यहाँ का माहौल दिखा देता हूँ पहले आपको दूर से। और ये देखो, ये जो क्या है, झूला है, आकाश झूला। व्यू देखो भाई, क्या जो लाइटिंग जो किया गया है, एक नंबर लग रहा है। जब गोल गोल घूमता है ना, और प्यारा दिखता है। तो चलिए आपको तो मेला भी दिखाऊंगा साथ साथ में। पहले तो अपन चलते हैं झांकी देखते हैं और फिर उसके बाद गणेश जी के दर्शन करते हैं। सर मेरा ब्लॉग अभी कंटिन्यू अभी डेली कर रहा हूँ, तो भाई मतलब अभी खुद को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ भाई इन्जॉय करने के लिए। तो ऐसा होता है ब्लॉगर लोग की लाइफ, तो ये सब भी थोड़ा सहना पड़ता है अपने को। क्या ब्लॉग भी शूट करना भी तो ज़रूरी है यार। और देखो वो वाला झूला देखो क्या घुमा रहा है भाई, मैं उसको पास से दिखाता हूँ आपको। वो वाला झूला देखो भाई क्या खतरनाक है यार, बे यार तगड़ा झूला है यार। ये देखो ये वाला झूला झूलना है अपने को, झूलूंगा ये वाला झूला भाई। भाई ये वाला झूला झूलना है अपने को भाई, ये वाला भाई खतरनाक झूला है भाई ये तो। ये तो अपन इसका भी टिकट पूछे ना, कितना पता है, 100 रुपये टिकट है। कोई नहीं भाई, 100 के हैं तो इसका एक बार तो झूला अपन झूलेंगे। 100 रुपये और 200 रुपये कुछ भी हो, पर एक बार जरूर झूलेंगे वाला झूला। तो इस देखो भाई ये वाला झूला। तो चले चलते हैं भाई, फिलहाल ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, फिर और ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। आ गए अपन पंडाल के पास में। और देखो भाई किंग कॉन्ग आपको यहाँ पर ना ओरिजिनल भी किंग कॉन्ग देखने को मिलेंगे, ओरिजिनल के बंदर, ओरिजिनल के आपको देखो वहाँ पर पंडाल के ऊपर में कुछ कुछ जो है बंदर भी है यहाँ पर देखो। और इधर देखो जा रहे देखो, अबे भाई डरा, सबको डरा रहे हो। तो ऐसे बंदर और भी आपको अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए चलेंगे फिर अंदर। और अंदर जाने का प्रोसेस है वही, यहाँ पर टिकट कटाना पड़ेगा। तो चलिए चलते टिकट कटाते हैं फिर भाई। अपने को ना एक फिर से यहाँ पर ना एक भैया पहचान वाले मिल गए, तो चलिए जाने दे। यहाँ पर से अपन जा रहे सीधा एंट्री, VIP एंट्री से। तो भाई अपना तो हो चुका है यहाँ से एंट्री। ऐसा मतलब होता है तो भाई अच्छा लगता है भाई। अगर अपन वहाँ पर लाइन लगते तो वहीं से अपने को 1 से 1.5 घंटा लग जाता, तो इसीलिए अपन आ चुके हैं VIP में। VIP से अपना है। और देखो यहाँ पर बंदर को देखो इधर। चलो भाई, तो ऐसे 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 बंदर आपको और अंदर देखने को मिलेंगे। हाय हाय हाय, चलो चलते हैं भाई। यही पर सामने से देखो एक तो और बंदर दिखते हैं। सब इसी को देख के सब जान हाथ उठ मिला रहे, सब इससे ऐसे लगेगा। हाय हाय, बढ़िया। यहाँ पर देखो जो चिंपांजी और एनाकोंडा का लड़ाई हो रहा है, जो एनाकोंडा पकड़ा हुआ है, जो चिंपांजी है और एनाकोंडा का लड़ाई हो रहा है भाई। यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुका है यार। यहाँ पर देखो ओरिजिनल है जो गोदी में लिया हुआ है। हाय हाय हाय, ये मॉल उन लोग बना रहे तगड़ा, ओरिजिनल वाले लोग। और यहाँ पर जो है किंग मतलब जो कॉन्ग है वो अपने जंगल का सुरक्षा कर रहे हैं लोग, मंकी है।
अरे 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 चलो चलते हैं आगे और ते हुए जो बंदर लोग हैं जंगल मतलब जो फंस जाते हैं ना वही बचा रहे लोग को इंसान लोग को चिंपांजी द्वारा मनुष्य को बचाते और सुरक्षित स्थान पर पार कराते हुए। हाय हाय ये हुआ ना बात बोले कि पेड़ कितना अहम है भाई वाक्य में पेड़ तो भाई अहम है एक पेड़ बचाओ और जीवन बचाओ जो फाइट होता है वो सीन है और यहाँ पर बंदर को देखो एक अलग ही एंजॉयमेंट कर रहा है थक गया तो ये फाइट कर रहे लोग लिए यहीं पर जो है अपना झांकी ख़त्म होता है फिर उसके बाद आगे गणेश जी के दर्शन करते हैं यहाँ पर तो भाई क्या प्यारा सजाया गया इधर भी यार पहले मैं ना आपको डेकोरेशन दिखाता हूँ यहाँ का पूरा सेक्टर जो 7 में है ना सेक्टर 7 टाइप का पूरा है भाई उस लाइक नहीं बट उसी टाइप का है भाई सजाया गया देखो क्या मस्त लग रहा है यार। चलिए तो फिर चलते हैं अब गणेश जी के दर्शन करते हैं और इस ये मूर्ति ना भाई मूर्ति ये प्रेम भैया जी के पास की है अपन भाई इस मूर्ति को मतलब बनते हुए देखे हैं भाई जब से बन रही थी तब से मैं मूर्ति को देख रहा था भाई चलो आज दर्शन कर रहे हैं उसी मूर्ति को यहाँ पास एक जो है गोरिल्ला है सभी लोग इन्हीं के साथ भाई फोटो खींचा रहे हैं ये देखो चलिए तो अपन भी खिंचाते हैं फोटो। चलिए फ्रेंड्स तो अपन आ चुके हैं बाहर में दर्शन उर्शन भी हो गया है और झांकी भी देख लिए बाहर में तो भाई क्या स्टार्ट हो चुका है बारिश भाई और यहाँ पर है वो पुलिस डोनेट फॉर कैंसर पेशेंट्स वाले लोग के लिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या कुछ सब मेरे फ्रेंड्स लोग क्या है उधर भटक गए कुछ लोग अभी पीछे हैं कुछ लोग आगे पता नहीं कहाँ कहाँ अभी कॉल लगाता हूँ फिर एक जगह पे बुलाता हूँ भाई यही होता है भाई ब्लॉग बनाने का और उन लोग तो आए थे साथ ही में मेरे भीड़ देखो यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ हो गया है इसलिए भाई मैं तो आज VIP से चले गया था मैं तो अभी तक मैं लाइन ही में रहता क्योंकि अपने को जाना है अभी दूसरे जगह भी जाना है भाई जाना है वहाँ का पंडाल का शूट करना है दर्शन करना है यार चलिए बाकी ना यहाँ पर आपको जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर जो मेले उले लगे ना मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर तो वही घर उर के आइटम वाले इधर पूरे सामान है तो अपने को तो समझ ही नहीं आता भाई क्या लेना है क्या नहीं लेना है यार यही सब पूरे लगे हुए हैं यहाँ फिलहाल तो अपने को जाना है वहाँ पर सर झूले झूलने के लिए भाई यहाँ पर तो भाई भीड़ और एक चीज पता है क्या हो गया यहाँ पर बारिश हो रहा है देखो ऊपर दिख रहा होगा कि नहीं पता बारिश हो रहा है और भीड़ देखो यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ हो गया और मैं तो जब उस समय जब मैं आया था जब तो उस समय वहीं पर अंदर में और यहाँ पर और धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रहा है तो अभी तो लगभग अभी दूसरा दिन है अभी तो मतलब तीसरा चौथा पांचवा दिन में सो तो फिर कितना ज्यादा रश होगा ये देखो ऐसा हो जाता है भाई माहौल यहाँ पर भिलाई का बारिश में भी लोग का एक्साइटमेंट देखो मतलब जाना है और एक चीज़ और दिखाऊँ ना आपको यहाँ पर जो ट्रेंडिंग में वहाँ पर बना दे रही है और जो जो पीछे से जा रहे हैं सभी उसी के पास जाके फोटो खींचा रहे हैं। चलिए भाई पंडाल से मैं थोड़ा ना मेला तरफ जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर क्या गाना उना चल रहा है कॉपीराइट लगने का भी चांस है यार यही सब थोड़ा ब्लॉगर लोग का भी ना इशू होता है यार कॉपीराइट का क्योंकि गाना चल रहा है उधर तो चलिए मेला तरफ आ चुका हूँ तो चलिए जैसे घूमेगा ना मैं दिखाऊंगा भाई क्योंकि काफ़ी प्यारा लगता है यार घूमते हुए और ये वाला भी झूला अपने को झूलना है यार और यहाँ पर देखो अपना लग आजमाऊँ कुछ बॉल उल मिलते हैं उसमें फिर जो भी काउंट होता है ना फिर उसको मिलता हुआ है झांकी देखने के पास है वहीं पर भीड़ है सब झांकी देखने के लिए तो चलिए वरना ये झूला झूलते हैं यार अपन भी ये देखो भाई तो घूमना स्टार्ट हो चुका है
क्या प्यारा लग रहा है देखो, शायद आपको वीडियो में नहीं अच्छा लग, मतलब उतना समझ नहीं आ रहा, बट काफ़ी प्यारा लग रहा है। कभी आओगे ना तो एक बार देखना ये कलर। तो चले यहाँ पास ना एक चीज़ और, हम लोग पता कि यहाँ ना ऑनलाइन नहीं ले रहा है यार, ये बड़ा दिक्कत है। अब यहाँ पास ले रहा है तो सिर्फ कैश ले रहा है, ऑनलाइन वाला इशू हो चुका है, क्योंकि हम लोग के पास पूरा ऑनलाइन है। यही लफड़ा हो चुका है यार, और अपने को झूला भी झूलना है। हालत ख़राब हो जा रहा है, वो चश्मा वाले को देखो, दे दे चश्मा वाला पूरा आँख बंद कर लिया है अभी। दे दे दे, गोल गोल घुमाएगा अभी। एक तो भाई सिर्फ एक ही जगह फोकस है। चलिए फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं बाहर, और क्योंकि झूला झूलने का तो भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा मन था, बट इशू वही है कि ऑनलाइन वाला दिक्कत है, ऑनलाइन ले रहे हैं और मतलब कैश नहीं ले रहे, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं ले रहे, मतलब सिर्फ कैश ही ले रहे हैं। तो जिस दिन अभी नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा ना, अब कैश लेके आऊँगा, बट ये झूला तो मेरे को झूलना है भाई। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अभी रखते हैं अभी इतना ही। आई होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जय अभी के लिए जय हिंद जय भारत।